मेरी सेकंड वीडियो दूसरे फ़ोन के साथ में, दैट इज़ रियलमी एक्स टू, जो आजकल मार्केट में बहुत ट्रेंड में है। आप देख ही रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में इस टाइम मार्केट में चल रहा है फ़ोन, क्योंकि इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो दूसरे फ़ोन के अगर कंपैरिजन में देखे जाएं तो करीब 25-30 हज़ार फ़ोन 25-30 हज़ार के आ जाते हैं। बट ये इस रेंज में रियलमी ने बहुत अच्छा फ़ोन निकाला है, गेमिंग फ़ोन 730G में जो निकाला है, दैट इज़ फॉर जी फॉर डोनेटिव फॉर गेमिंग, वो भी स्नैपड्रैगन में। 30 वॉट का इसका अंदर अडाप्टर लगा हुआ है, जो वॉच 4.0 के साथ अडाप्टर के साथ में चार्ज होता है। ठीक है, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने, क्या क्या लगा हुआ है, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये कोई मेरी कोई फेक वीडियो नहीं है, और कोई मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैंने भी ये फ़ोन परचेज़ किया है, और मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूँ, भाइयों को, दोस्तों को, बहनों को, सबको बताना चाह रहा हूँ जो इस फ़ोन को लेना चाहते हैं, और एकदम रियल जो इसके स्पेसिफिकेशन है और इसमें क्या क्या चीज़ मिलती हैं, और ये फ़ोन अच्छा भी है बेकार है रियलमी का, क्योंकि नई कंपनी है, भरोसा करने के लिए, नई कंपनी है तो भरोसा करें नहीं करें, तो कैसी कंपनी है, तो उस हिसाब से मैंने इसकी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इसमें बॉक्स में सबसे ऊपर तो इसकी पिक लगाई हुई है, अब ये फुल पैक्ड है, पूरी पन्नी पैक्ड है, सील लगी हुई है, तो आपको ये फ़ोन मिलेगा तो पैक्ड के साथ मिलेगा, क्योंकि जो मैक्सिमम जो फ़ोन आ रहे हैं वो सिर्फ सील के साथ में आते हैं, ऐसी पन्नी के साथ पैक नहीं होते। जैसे मैंने अभी इसकी अनबॉक्सिंग करी थी, तो इसमें क्या है, अनबॉक्सिंग मैंने भी इसकी करी थी, ये क्योंकि ये भी फ़ोन मैंने मंगवाया है, ये भी फ़ोन मैंने मंगवाया है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, क्योंकि मेरे पे दो फ़ोन हैं, क्योंकि मंगवाया क्यों है, क्योंकि दिखाने के लिए आप लोगों को कि ये दोनों फ़ोन किस टाइप के हैं, मैं इन दोनों फ़ोनों के गिव अवे करने वाला हूँ, उसकी आप नोट देखते रहो, वीडियो को पूरा देखो, मैं वीडियो के बीच में कहीं भी आपको बता दूंगा कि गिव अवे के क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या आपको करना पड़ेगा जो आपको ये फ़ोन मिल सकता है घर बैठे बैठाए, जिसमें आपको कुछ भी नहीं पे करना होगा, बस कुछ मैं ये कह सकता हूँ आपको कुछ शर्तें हैं जो मेरी पूरी करनी पड़ेंगी, आपको ये फ़ोन मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसके फ्रंट में देख रहे हो ये कैम फोन लग फ़ोन की पिक दे रखी है, जैसे हर फ़ोन में आप देख पा रहे होंगे सब में फ़ोन की पिक लगा रखी है, एक फ़ोन ये भी है। ठीक है, हर फ़ोन की पिक लगा रखी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखा है, यहाँ पर लिखा है नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड, वो हर फ़ोन के साथ में लिखा होता है, पता नहीं ऐसा क्यों, क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि यहाँ भी नंबर वन लिखा है, यहाँ भी नंबर वन लिखा है, मुझे ये नहीं पता है नंबर वन एक एक स्टेज पे एक लेवल पे आके नंबर वन कितने बैठ सकते हैं, कि हाँ कि ये भी नंबर पे रख दो, ये भी नंबर वन पे रख दो, पता नहीं, हमारे साथ रिजल्ट में तो ऐसा नहीं होता था, पर ये शायद नंबर वन पे सारे एक होते आते होंगे। इसमें यहाँ कुछ लिखा है CMR मोबाइल इंडस्ट्री कंज्यूमर हाइट MICI सर्वे सितंबर 2019 में की गई है CMR सर्वे, क्योंकि मैंने तो सुना है इसके बारे में, रियलमी बाहर बाहर की ब्रांडेड कंपनी है, ओप्पो के साथ में वर्क करती है, ओप्पो की दूसरी कंपनी है, तो ओप्पो ने जैसे पहले ही आपके देखे थे रेडमी आया, देन फिर ये ओप्पो आया, ओप्पो आया, तो ये फ़ोन अब ये रियलमी आया है इनको ही टक्कर देने के लिए, ओप्पो का खुद का ही ब्रांड ही है, उनको टक्कर देने के लिए, तो अब मार्केट में इस टाइम बहुत चल रहा है बहुत। अभी जैसे आपने देखा होगा इसका नया लेटेस्ट फ़ोन आया है Realme 6 और 6 Pro, जिसका अभी सलमान खान ने जिसका स्टार्टिंग करी है जिस फ़ोन को। ठीक है, तो इसके साइड में लिखा Realme X2 लिखा हुआ है, यहाँ कुछ R लिखा हुआ है, ये नहीं है, ये जहाँ से मैंने लिया है उसने कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ इसका ब्रांड ये लोगो लिखा हुआ है R, यहाँ पर Realme X2 लिखा हुआ है, यहाँ कुछ इस कैमरे के बारे में कुछ लिखा हुआ है, जैसे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है कैमरा रियल 64 मेगापिक्सल, हाँ इनमें 64, चार कैमरे हैं, 64 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का है, 2 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, फ्रंट जो है 32 मेगापिक्सल का है, स्क्रीन साइज़ जो है इसकी 6.4 इंचज़ की है, और डायमेंशन जो दे रखे हैं इसके, वो दे रखे हैं 182 ग्राम का बना हुआ है ये डायमेंशन, ये दे रखे हैं 15.87, 7.25 एंड 0.86 सेंटीमीटर। बैटरी जो दे रखी है इसकी 4000 mAh की दे रखी है, रिटेलर प्राइस है इसका 20,999, बट मुझे इतने का ये नहीं पड़ा है, मैं रियल में आपको बताऊं, मैंने बजाज फिंसर कार्ड से परचेज़ किया है, तो मुझे उसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह मिले हैं, वो डिपेंड करता है कार्ड के ऊपर, डिपेंड करता है कि किसको कौन सा कार्ड है, तो उस पर मिलते हैं, तो मुझे थोड़ा सस्ता पड़ा है, तो ये एक्सक्लूसिव ऑल टैक्सीज वगैरह हैं। कुछ डिस्टर्बेंस हो गई थी, ये मेरी गुड़िया है छोटी सी, मैं इसके पास गया था, इसको लेने गया था मैं गुड़िया को, रो रही थी मेरी गुड़िया छोटी सी। ठीक है दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करते हैं, मैं आपको डिटेल बता रहा था, फ़ोन की डिटेल दिखाता हूँ मैं आपको, जिसमें इसमें लिखा हुआ है सॉरी,
तो यहाँ पर हम थे मेन यूनिट्स पे। तो इसमें कंज्यूमर कंप्लेन इसमें भी दे रखा है, रियलमी मोबाइल टेलीकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये है कहाँ का, गुड़गांव का ही दिया हुआ है इन्होंने कि गुड़गांव में कंप्लेन किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग इसकी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। देखो मैं आपको क्या कहता था, ओप्पो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बनाने वाली कंपनी कौन है, ओप्पो ही है, क्योंकि ओप्पो का ही ब्रांड है ये, और कहीं नहीं बन रहा, ग्रेटर नोएडा में ही बन रहा, उत्तर प्रदेश में, ग्रेटर नोएडा में। मैन्युफैक्चरिंग जो है इसकी रियलमी मोबाइल कम्युनिकेशन प्राइवेट के नाम से बनाई हुई है, और मैन्युफैक्चरिंग ये भी फरवरी 2020 का ही बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया बॉक्स में, बैक साइड में इसमें कुछ लिखा हुआ है, बैक साइड में इसके बारे में लिखा हुआ है। तो बैक साइड में मैं आपको बता देता हूँ, बैक साइड में दिया हुआ है क्या क्या, रियलमी XMX 1992, ये कुछ मॉडल नंबर्स होते हैं जो ये मैंने देखा है हर फ़ोन में मैक्सिमम अलग अजीब से होते हैं। मोबाइल नंबर कलर जो है ये ग्रीन कलर का है, EMI नंबर दे रखा है, ये SAR की वैल्यू बताई थी 1.160 है इसकी, ये हेड में है और बॉडी के साथ में 0.521 के साथ में है। यहाँ कुछ इसके कुछ डिज़ाइन वगैरह मेड इन इंडिया है, अब कंपनी इंडिया में बनती है, और 2/7 फरवरी में बना हुआ है, GSM WT LTE सारे ये सपोर्टेबल करता है। ये वेरिएंट जो है मेरा 8/128 में तीन आते हैं, 6 में भी आता है, 6/128, 4/64 और 8/128। चलो अब ये इसका मेरा बर मेरा कौन सा है, 8/128 का है, और 5 वोल्ट 6 एम्पियर के साथ में। अब इस डब्बे को हम खोलते हैं, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी हो रही है डब्बे को खोलने की, तो हम यहाँ डब्बे को खोलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं डब्बे की। ये डब्बे की मैंने करी यहाँ से अनबॉक्सिंग, यहाँ से मैंने इसको यहाँ से खोला। ये मैं इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि मुझे जब मैं इनको गिव अवे करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं वैसा ही फ़ोन प्रोवाइड करूँ जैसा मैं मुझे प्रोवाइड हुआ है कंपनी से। तो मैं अभी जो गिव अवे वाले मेरे जो दोस्त होते हैं उनको इसी हिसाब से अपने फ़ोन को, जो वो फ़ोन जीते हैं उनको गिव अवे करूँ। तो इस डब्बे को मैं खोलता हूँ, इसको मैं थोड़ा दूर रख देता हूँ, इस डब्बे को मैंने खोला। इस डब्बे को मैंने यहाँ खोला तो इसके अंदर क्या है, हाय वेलकम टू रियलमी फैमिली, काफ़ी अच्छी ब्रांडिंग दे रखी है, काफ़ी अच्छा लगा। इसको मैंने ओपन किया, इसमें देखते हैं इनका एक डब्बा है कंटेनर, कंटेनर के अंदर इन्होंने क्या दे रखा है, यहाँ भी लिखा हुआ है लेट्स एम्ब्रेस आ न्यू जर्नी, क्या बात है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं न्यू लाइफ में आ गया हूँ। तो इन्होंने यहाँ केस कवर दे रखा है, क्वालिटी थोड़ी सी डिफरेंट सी लग रही है मुझे ज़ोमी के फ़ोन से, रेडमी के नोट से, और इसका कलर भी थोड़ा डिफरेंट है, वो थोड़ा ज़्यादा डार्क था, ये कम डार्क है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट लुक में है, ब्लैक एंड वाइट में, और कुछ नहीं है। यहाँ कुछ इसके यूज़र मैनुअल गाइड्स हैं, ये यहाँ पर कुछ इसके ये यूज़र मैनुअल गाइड दे रखे हैं इस फ़ोन के बारे में, कि फ़ोन के जैकिंग टूल वगैरह पैरामीटर्स वगैरह दे रखी है, और यहाँ कुछ इसके ये गाइड्स वगैरह गाइड वगैरह दे रखी है, इसके बारे में बता रखा है, और ये वारंटी कार्ड भी है इसके अंदर, ये वारंटी कार्ड वगैरह भी दे रखा है इसके अंदर ही। ठीक है, इनको हम अलग करते हैं, पर ये कोई पैकिंग में नहीं है, बट ये डब बॉक्स में, ये कोई पैकिंग में नहीं दिया इन्होंने, बॉक्स में ही दिया है, तो और फ़ोनों में होता है। उसके नीचे इन्होंने फ़ोन दे रखा है, यहाँ यहाँ फ़ोन दे रखा है, ये मैंने ग्रीन कलर का मंगाया है, बड़ा अच्छा कलर लग रहा है मुझे, ओपन करके देखते हैं। तो हम इसको ओपन करके देखते हैं, देखो तो मैं तरीके से खोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं ऐसी फाड़ के से निकाल लूँ, बट मुझे अच्छा ही लगेगा जब मैं किसी को प्रोवाइड करूँगा और उसको ये लगे कि मैंने इसको यूज़ किया है, नहीं चाहता कि कोई वो ये कहे कि यार यूज़ किया है, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से निकाल रहा हूँ। तो मैं इसकी ऐसी इसी तरीके से इसकी मैं पैकिंग करवा दूँ, तो मैं इस फ़ोन को निकालता हूँ यहाँ से। ये कुछ इसलिए दिक्कत कर रहा है क्योंकि हाँ इसके वो है ना, तो मैं इसको घुमा लेता हूँ और जब निकालता हूँ शायद अच्छे से निकल जाए। यू नाउ सी दिस, ये इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ नीचे इसका बटन इसका दब गया था, बट मैं इसको बाद में यूज़ करूँगा, मैं इसको भी बंद कर दूँगा।
ठीक है, चलो मैं इसको ही बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसको दोबारा अच्छे से आपको दिखाऊंगा सारे से। यहाँ से पावर ऑफ ये बंद कर दिया। तो इसके बॉक्स पे आते हैं हम, इस पे बॉक्स, हम इसके बॉक्स पे आते हैं, हम इसके बॉक्स में देखते हैं इसके बॉक्स में क्या है। बाघ हटाया, इसमें है अडप्टर। भाई साहब सॉरी फ्रेंड्स, थोड़े घर की वजह से मैं जो बात कर रहा था वो है इसका ये अडप्टर। सही में यार बाप है बाप, अडप्टरों का बाप। इतना मोटा अडप्टर क्या लगाया है ऐसा इन्होंने भाई। इसके एक साइड में रियलमी लिखा हुआ है जिसका ब्रांड है ये, यहाँ कुछ लिखा हुआ है मैं आपको पास से दिखाऊंगा। पावर सप्लाई यूनिट मॉडल दिस, इसका भी खुद का मॉडल है भाई, मेड इन चाइना, पर ये चाइना का है, चाइना से ही बनकर आया है। और ये 30 वोल्ट में है, वो 18 वोल्ट में था, ये 30 वोल्ट में अडप्टर है, 30 वोल्ट में अडप्टर है। इसका मतलब ये 50% चार्ज कर देता है 15 आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर आपका फ़ोन 50% चार्ज हो जाएगा इस अडप्टर के साथ में। गजब मस्त है यार, बहुत गजब। प्लस इसके साथ इसकी डाटा केबल दी हुई है, डाटा केबल की क्वालिटी सेम है, सेम क्वालिटी है जैसे इसके साथ दे रखी है ज़ोमी के साथ में, वैसे ही इसकी डाटा केबल की क्वालिटी दोनों की सेम है, सेम टू सेम क्वालिटी है, ज़्यादा अंतर नहीं है। लेंथ इसकी वही होगी, कुछ नीचे दे रखा है, नीचे तो मैंने देखा ही नहीं। इजेक्टिंग पिन इन्होंने अलग से दी हुई है, इसके अंदर नहीं है, अलग से एक डब्बा बनाया हुआ है सॉकेट छोटा सा, उसमें इजेक्टिंग पिन दी हुई है इन्होंने। ये मैं तो कुछ और समझ रहा था, क्योंकि जो नीचे की साइड रखा है ऐसा लग रहा था जैसे ईयरफोन दिए हुए हो, बट ईयरफोन नहीं थे इसके अंदर, जो इसके अंदर इन्होंने ऐसे डाला हुआ है, और इसमें कुछ नहीं है। चलो फ़ोन के बारे में देखते हैं, इन्हें साइड करते हैं, फ़ोन के बारे में देखते हैं। फ़ोन एक मैं रियल में बताऊंगा फ़ोन का जो लुक है बहुत क्लासिक लुक है। ग्रीनिश तो मैं मानता हूँ ग्रीनिश है, पर ये ग्रीनिश में भी कुछ अलग ही कलर है, सही में पर्ल ग्रीन है। 4 कैमरे हैं इसके अंदर, सबसे मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, 64 मेगापिक्सल का जैसे आप देख पा रहे हो। बाकी 3 कैमरे 8 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल, वही अल्ट्रा वाइड सब में वही आ रहा है। एक फ़ोन बना दे बाकी सब वही बन कॉपी कर देते हैं उसको, ठीक है। बैक साइड बड़ी अच्छी दे रखी है, इधर ऊपर वही में जो आप इसमें था, इसमें ऊपर की साइड में दे रखा है एक रिसीवर दे रखा है। राइट साइड में ये पावर ऑफ करने के लिए, और गोल्डन कलर की इसमें कोटिंग कर रखी है, बहुत क्लासिक फ़ोन, बहुत क्लासिक लग रहा है बटन, गोल्डन कलर की कोटिंग है। नीचे जाएंगे तो नीचे एक 3 mm की सॉकेट हो गई, यहाँ पावर अडाप्टर ये उसका हो गया, टाइप सी चार्जर हो गया, एक पिन यहाँ, एक यहाँ पर है रिसीवर, यहाँ स्पीकर दे रखा है, डॉल्बी डिजिटल साउंड बताते हैं वैसे इसका। और यहाँ पर ऑन ऑफ करने के लिए, और इजेक्टिंग टूल के है, इजेक्टिंग टूल में मैं आपको दिखाता हूँ कि इजेक्टिंग टूल इन्होंने क्या दिया हुआ है। इजेक्टिंग टूल में के अंदर सॉकेट किस टाइप के हैं आपको मैं दिखाता हूँ। सिंपल सॉकेट बनाई हुई है वैसे तो, दो माइक्रो सिम लगाई हुई हैं, और एक दो तो माइक्रो एसडी कार्ड है, और 2 नैनो सिम लगाई हुई है। और वैसे इसमें यहाँ इन्होंने रबड़ नहीं दिया है, जैसे मैंने एमआई के फ़ोन में आपको दिखाया था यहाँ पर रबड़, यहाँ इसमें रबड़ नहीं है। तो क्वालिटी सही है, प्लास्टिक ही है, ज़्यादा ख़ास नहीं है। उसके बाद इसकी मैंने एंट्री करवा दी, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने एकदम सक किया था ना, अंदर डाला था इसको, तो यहाँ पर हल्की सी आवाज़ आई थी, वो मुझे एमआई के जब मैंने इसको एंट्री करा था तो इसके अंदर आवाज़ आई थी,
वो मुझे एमआई के फ़ोन में क्यों नहीं मिली, क्योंकि एमआई के फ़ोन में लास्ट में रबड़ लगी है, जो रबड़ की वजह से उसकी आवाज़ ख़त्म हो जाती है। फ़ोन की क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, अच्छा फ़ोन लग रहा है, ज़्यादा बड़ा फ़ोन भी नहीं है, फ़ोन सही अच्छा लग रहा है छोटे में। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, और इसमें टेम्पर्ड लगा हुआ है, एक टेम्पर्ड इसमें लगा हुआ है, दैट्स गुड। मैंने इसको फ़ोन की वो किया है। इसमें जो है आपको मैं बता दूं, इसमें जो है सुपर एमोलेड स्क्रीन लगी हुई है, गोरिल्ला ग्लास 5 आगे से भी है और पीछे से भी है, दोनों साइड गोरिल्ला ग्लास है। कितने इस पर घिस लो, इस पर कभी आपको स्क्रैचेस नहीं आएंगे इस फ़ोन में। ये मैंने इसको ऑन किया है, ये इसको आगे किया है, ये यूज़र दे रखा है, इसे कंटिन्यू किया, ये उसके बारे में पूछ रहा है, ये मैंने स्किप मारा, ऑटोमेटिक स्लाइड वाईफाई, बेस्ट वाईफाई जो होगा वो ले लेगा, पर है ही नहीं। इंस्टॉल कर लेगा, फिंगरप्रिंट सेंसिंग सेटिंग स्किप करो, स्किप करेंगे अभी हम। ये क्या है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, इसको भी हम बंद करेंगे। इंपोर्ट डाटा फ्रॉम अ ओल्ड फ़ोन और सेट एज अ न्यू फ़ोन, तो ये मैं आगे नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं न्यू फ़ोन कर देता हूँ, बाकी मैंने स्पेसिफिकेशन आपको बताइए, फ़ोन बड़ा अच्छा है, अच्छा चल रहा है। मेरे पे है दूसरा फ़ोन भी है जो मैं मेरे घर में यूज़ हो रहा है, फ़ोन की क्वालिटी अच्छी है, फ़ोन बेस्ट है, टच टच वगैरह मैं जैसे चेक कर पा रहा हूँ, बहुत अच्छी टच आई है इसकी, टच भी अच्छी है उन फ़ोनों में, क्योंकि मैंने चेक किया मेरे घर पे है फ़ोन। तो मैं इस फ़ोन को ज़्यादा आगे नहीं चाहूँगा, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन दे रखा है कि कॉपी करने के लिए, और बेस्ट कॉपी करने का मैं ये नहीं कह रहा, हर फोन तो हर फ़ोन में आपको मिल जाएगा, पर इसमें ज़्यादा बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये रियलिटी में सारी चीज़ कॉपी करता है आपकी ओल्ड फ़ोन से न्यू फ़ोन के अंदर। तो ये जो भी गिव अवे जिसको मिलेगा ये फ़ोन के बारे में, तो मैं ये फ़ोन जब भी वो बंदा यूज़ करेगा इस फ़ोन के साथ में, ज़्यादा वो कुछ आगे नहीं करूँगा। बट हाँ, जो मेरा जो दूसरा फ़ोन है मैं उसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि वो भी सेम यही फ़ोन है, तो क्वालिटी बेहतरीन है, चलने में बहुत स्मूथ है। आज की डेट में लोग पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, उन लोगों के लिए और भी बेहतरीन फ़ोन है, पर थोड़ा कॉस्टली है, बट ठीक है, लेकिन बेहतरीन फ़ोन है। सुपर एमोलेड स्क्रीन डली हुई है, बहुत मस्त है, वॉइस आवाज़ अच्छी है, क्लियरिटी अच्छी है, मेगापिक्सल कैमरे की क्वालिटी अच्छी है, कुल मिला के बेहतरीन फ़ोन है, बेहतरीन। बट डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, आपका बजट क्या बनता है। तो दोस्तों, आप भी मुझे वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, लाइक अच्छी लगी तो अच्छी लाइक करिएगा, नहीं लगी तो डिसलाइक भी करना, कोई मुझे परेशानी नहीं है, क्योंकि ये कोई मेरा चैनल जो है पैसे कमाने का नहीं है, ये जस्ट मैं नॉर्मली व्यू देता रहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ मेरी वीडियोज़ नहीं डलती, सेलेक्टेड डलती हैं जो मुझे लगता है, क्योंकि मैंने ना कुछ वीडियोस देखी थी रेडमी एक्स टे ये रियलमी X2 के बारे में, तो लोग जो है ना वीडियो को ऐसे बना देते हैं जैसे पता नहीं पैसे कमाने के जरिए में, कि यार ये भी है उसमें, ये भी यार वो भी है उससे, ये भी होगा वो भी होगा ये होगा, लेकिन रियल में ना वो आधी चीज़ ना मुझे फेक लगती हैं, फर्जी लगती हैं। तो ये रियल जो मैंने रियल का रियल में एक क्लियर वीडियो दी है, तो आप इसको ख़रीद सकते हैं, अच्छा फ़ोन है, अच्छा चलता है, क्योंकि इसका अडप्टर भी जो कहते हैं कि हाँ है, तो अडप्टर भी इसका ऐसा नहीं है, भारी अडप्टर है, मेरे पे और भी अडप्टर हैं जो पावर बूस्टर के हैं, लेकिन उसमें सबसे अच्छा मुझे अडप्टर ही अच्छा लगा, क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, केबल भी है, बाकी फ़ोन तो बेहतरीन है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा फ़ोन बहुत अच्छा है, बाकी मैं इसका गिव अवे करूँगा होली के बाद, बस शर्तें वही होंगी जो मैंने आपको पहले दूसरे फ़ोन में बताई थी। दोनों फ़ोनों का गिव अवे एक साथ होगा, एक ये फ़ोन है और एक इसके पीछे ये वाला फ़ोन है रेडमी नोट 8, दोनों की क्वालिटी सेम वर्जन वही है, दोनों में यही है कि मेरी वीडियोस को 5000 लाइक मिलने चाहिए, नॉर्मल 5000 लाइक मिलने चाहिए, और आप इस फ़ोन को क्यों लेना चाहते हैं और किसके लिए लेना चाहते हैं ये आप कमेंट में डाल दीजिएगा, जिससे मैं आप ये भी पहचान पाऊँ कि जो भी जिसको मिल रहा है फ़ोन उसको आइडेंटिफाई कर पाऊँ। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना भूलें, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ और भी सारे दोस्तों को जो भी फ़ोन लेना चाहते हैं, दोस्त भाइयों को पता चले कि आखिर फ़ोन ये लें भी या नहीं लें, कौन सा वेरिएंट अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है, क्योंकि जो इसका प्रोसेसर जो है ना वो भी स्नैपड्रैगन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G दे रखा है, जो बेहतरीन है गेमिंग के लिए, बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन, और 8GB की रैम है, बहुत अच्छी है, 8GB तो सच्ची क्या होगी, 12GB नॉर्मल बंदे के लिए कोई ज़्यादा वो नहीं है, 8GB बेहतरीन है, 6GB भी अच्छी है, लेकिन 8GB मिल रहा था, ठीक है 8GB मैंने ले लिया,
तो वही उन लोगों को ये फ़ोन मिल जाएगा जिन लोगों का मैं गिव अवे निकालूंगा, एक लकी ड्रॉ करके निकालूंगा, जिन लोगों का मुझे कमेंट्स अच्छे लगेंगे और वो फ़ोन क्यों लेना चाहते हैं। पर उसके लिए एक वही शर्त है मेरी, 5,000 लाइक्स चाहिए मुझे अपने वीडियोस पे और ज़्यादा ज़्यादा मेरी वीडियोस को फैलाएं जो बाकी लोग देख सकें, जो मैं गिव अवे होली के तुरंत बात कर दूंगा। होली के मैं बताता हूँ, आज तारीख हो गई आपकी 9 तारीख हो गई, तो मैं ये 12 और 15 के बीच में कर दूंगा। पर वो जो वो गिव अवे करूँगा वो मैं लाइव करूँगा, मैं ये नहीं कह रहा अपने पास रख लूँगा फ़ोन, मैं लाइव करूँगा जो आपको पता चले कि हाँ रियलिटी में गिव अवे हो रहा है। ओके थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ना लगे तो डिसलाइक करें। ओके बाय बाय, टाटा।